एक ओर कोरोना के बढ़ते आंकड़े और दूसरी तरफ ओमिक्रॉन का खौफ दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। इतनी बड़ी बीमारी के बीच जहां हमारी स्वास्थ्य सुविधाएं दुरुस्त होनी चाहिए थी, वहीं पहाड़ों में अस्पताल बिन डॉक्टरों के रेफर सेंटर बने हुए हैं। इसी बीच कर्णप्रयाग अस्पताल से दो विशेषज्ञ डॉक्टरों के तबादले हो गए। डॉक्टरों के स्थानांतरण को रोकने के लिए आज स्थानीय लोगों ने कर्णप्रयाग मुख्य बाजार में प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का पुतला दहन किया, जिसके बाद उप जिला अधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा। इन प्रदर्शनकारियों का कहना है कि इतनी बड़ी महामारी के बीच जहां हमारी स्वास्थ्य सुविधाएं दुरुस्त होनी चाहिए, वहीं पहाड़ों में जनता बिन डॉक्टरों के खुद को असुरक्षित महसूस कर रही है। उप जिला अस्पताल कर्णप्रयाग में डॉक्टरों के खाली पद इतना कुछ बताने को काफी है कि आखिर हमारे सरकार को हमारी कितनी चिंता है। सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने बोला कि आखिर सरकार चाहती क्या है। साथ ही सरकार को चेतावनी दी कि विशेषज्ञ डॉक्टरों के बदले विशेषज्ञ डॉक्टर नहीं भेजे गए तो आंदोलन जारी रखा जाएगा। देर नहीं है, मैं स्वयं सेवक हूँ। ऐसा है कि मुझे ये चाहिए कि मुझे डॉक्टर स्थान होना कोई वो नहीं है, पर मुझे डॉक्टर की जगह पर डॉक्टर चाहिए। मेरा कहना यही है कि यहाँ पे जो डॉक्टर स्टाफ है पहले से रोज हर वक्त ऐसी हो रहा है कि हमारे यहाँ कर्णप्रयाग में हर वक्त ट्रांसफर हो रहा है डॉक्टरों का। क्यों हो रहा, मुझे मुख्यमंत्री जी से मुख्यमंत्री जी को अवगत कराना है कि यहाँ के डॉक्टरों का ट्रांसफर न किया जाए। अगर ट्रांसफर किया जाता है तो उसी जगह पर डॉक्टर दिए जाएँ। महीने के अंदर अभी ये चौथे डॉक्टर का भी यहाँ से स्थानांतरण हो गया है और दुर्भाग्य की बात है कि जिस भी डॉक्टर का यहाँ से स्थानांतरण हो रहा है उसके जगह पर किसी दूसरे प्रतिष्ठान को नहीं स्थापित किया जा रहा है। ये दुर्भाग्य की बात है और आने वाले चुनाव के अंदर हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो पूरे युवा राज्य और युवा नेतृत्व की जो बात कर रही है, उनका जो नेतृत्व है वो बहुत ही खोखला है और अनुभवहीन है। और डॉक्टरों के तबादले इस बात के पुख्ता प्रमाण है कि आने वाले समय के अंदर जनता में जो आक्रोश है वो इस सरकार को उखाड़ करके फेंकेगी। कर्णप्रयाग के अस्पताल में जो सर्जन थे उनका ट्रांसफर कर दिया गया है। उससे पहले चार दिन पहले जो यहाँ डेंटल सर्जन थे उनका ट्रांसफर कर दिया गया है। कर्णप्रयाग के अस्पताल में फिजिशियन नहीं, बच्चों के डॉक्टर नहीं, हड्डी रोग विशेषज्ञ नहीं, रेडियोलॉजिस्ट नहीं। तो एक तरह से इस प्रदेश की सरकार यहाँ के लोगों के स्वास्थ्य के साथ जो खिलवाड़ कर रही है उसके खिलाफ ये प्रदर्शन था। हम ये मांग करते हैं कि अस्पताल में तुरंत ट्रांसफ़र अगर कोई रूटीन प्रक्रिया है तो डॉक्टरों की जगह विशेषज्ञ डॉक्टर अपॉइंट किए जाएं, और ऐसा नहीं होगा तो ये लड़ाई फिर आगे भी चलेगी। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ।